हेलो, वेलकम टू मूवी डायरी। मैं हूं शुकंदु। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज की फिल्मी दुनिया से काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अपडेट्स है बहुत खास और बहुत इंटरेस्टिंग। सच में आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी एक वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए तीन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी अपडेट लेकर। मुझे याद है दो साल पहले 2021 में एक खबर आई थी कि कार्तिक आर्यन को करण जौहर की प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म आ रही थी जिसका नाम था दोस्ताना 2, उससे ड्रॉप किया गया है। और जिसका रीज़न बताया गया था कि अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से उनको ड्रॉप किया गया है। लेकिन इसके बाद कार्तिक आर्यन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है क्योंकि करण जौहर, कार्तिक आर्यन और एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स कोलैबोरेशन कर रहे हैं एक फिल्म के लिए। जी हाँ, आज ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है करण जौहर की तरफ से। ये जो फिल्म है ये एक सच घटना पर आधारित होने जा रही है और ये जो फिल्म है ये एक वॉर ड्रामा फिल्म होने जा रही है। फिल्म को 15 अगस्त 2025 में रिलीज किया जाएगा। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे संदीप मोदी। अगर आपको याद हो इस साल एक सीरीज आई थी जिसका नाम था द नाइट मैनेजर, उस सीरीज का डायरेक्टर था संदीप मोदी, वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। तो ये आज का सच में एक बहुत बड़ा अपडेट है। इस फिल्म के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगला अपडेट है एनिमल मूवी से। जी हाँ, एनिमल मूवी, इसको 1 दिसंबर रिलीज किया जाएगा। कल जो है इसका ट्रेलर ड्रॉप किया जाएगा और आज इस फिल्म का CBFC सर्टिफिकेट सामने आ चुका है। इस फिल्म को मिला है ए सर्टिफिकेट, जी हाँ, एडल्ट ओनली सर्टिफिकेट मिला है। और इस फिल्म का जो रन टाइम है ये बहुत बड़ा है, 3 घंटे 21 मिनट का रन टाइम है। कहीं ये बैकलैश ना हो जाए फिल्म के लिए। इस फिल्म से एक और अपडेट है कि इस फिल्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाने वाले हैं बॉबी देओल। उनका जो कैरेक्टर है वो एक म्यूट कैरेक्टर है। जी हाँ, उनका कैरेक्टर बहुत ही टेरिफिक होने वाला है, टेरर पैदा करने वाला एक कैरेक्टर है, लेकिन उनका कैरेक्टर म्यूट कैरेक्टर है। अगर मैं अगले अपडेट की बात करूँ तो ऐसा है कि अल्लू अरविंद और नागा चैतन्य की अपकमिंग जो फिल्म है, इस फिल्म का आज टाइटल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इस फिल्म का टाइटल होने वाला है थंडेल। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं चंदू मुंडेटी और इस फिल्म का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है वो संभाल रहे हैं DSP यानी देवीश्री प्रसाद। फिल्म का आज एक पोस्टर भी ड्रॉप किया गया है। पोस्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तूफानी मौसम है और समंदर के बीच में एक नाव के ऊपर बैठा हुआ है नागा चेतन। अगला अपडेट है करीना कपूर, कृति सैनन और तब्बू की अपकमिंग फिल्म द क्रू से। रिसेंटली करीना कपूर ने इस फिल्म के स्टोरी के बारे में कुछ रिवील किया है। अगर स्टोरी के बारे में बताऊं तो कुछ ऐसा है कि ये जो तीनों कैरेक्टर हैं ये एक एयरलाइन बेस्ड कंपनी में काम करती है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाओं से ये तीनों जुड़ जाती हैं। ये जो फिल्म है ये एक कॉमेडी हाइस्ट फिल्म होने जा रही है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राजेश कृष्णन जी। इससे पहले लूट केस नाम की एक फिल्म डायरेक्ट किया था जो कि एक बहुत अच्छा कॉमेडी फिल्म था, मतलब एक कॉमेडी ऑफ एरर फिल्म था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए लूट केस। इस फिल्म के अंदर इन तीनों के अलावा दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए दिलजीत दोसंझ और कपिल शर्मा को भी हम देख पाएंगे। इस साल की हॉलीवुड की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट मूवी जिसका नाम है ओपेनहाइमर, जिसका डायरेक्टर था क्रिस्टोफर नोलन, अब इस फिल्म के OTT रिलीज के लिए बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इस फिल्म का OTT रिलीज हो चुका है। जी हाँ, अब आप इस फिल्म को Amazon Prime पर देख सकते हैं। अगर अगले अपडेट की बात करूँ तो अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी जिसका टेंटेटिव टाइटल है AA22, ये जो फिल्म है ये एक पीरियड मूवी होने जा रही है जो कि फ्रीडम फाइट के ऊपर बेस है। अब खबर ये आ रहा है कि इस फिल्म के अंदर हम अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट त्रिशा कृष्णन को देख पाएंगे एज लीड फीमेल। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।